दिखाया है जिसे देखकर किसी की भी आंखें भर आएं। एक माँ की ऐसी हरकत जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ये महिला एक छोटे से बच्चे को कितनी बेरहमी से पीट रही है। ऐसा करते हुए उसे ना तो बच्चे की मासूमियत की नजर आई और ना ही उसकी उम्र पर कोई तरस आया। कभी लातों से तो कभी चप्पलों से वो बच्चे को मार रही है। उसे छोटे से बच्चे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, बस बिना वजह उसे मारती ही जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये महिला उसे क्यों मार रही है। जहन में एक ही सवाल होगा कि क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ इस कदर बेरहम हो सकती है। जैसे ही ये वीडियो सामने आई तो बाल कल्याण समिति हरकत में आई और जांच में पाया कि ये बच्चे की असली माँ नहीं बल्कि इस महिला ने बच्चे को गोद लिया था। बच्चे की उम्र 3 साल के करीब है। बच्चे की हालत को देखते हुए बाल कल्याण समिति के आदेश पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच के बाद पता चला कि बच्चे को टीबी है। फिलहाल बच्चे का उपचार किया जा रहा है। क्या गोद लिए हुए बच्चे के साथ इस कदर का व्यवहार सहनीय है? क्या ऐसी महिलाएं जो बच्चे को गोद तो ले लेती हैं पर उन्हें ना तो अपने बच्चे की तरह प्यार देती हैं और ना ही उन्हें वो परवरिश ही दे पाती हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है? क्या ऐसे लोगों को बच्चे गोद लेने चाहिए? ऐसे माँ बाप को क्या सजा देनी चाहिए जो गोद लिए मासूम से इस कदर का बर्ताव करते हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए? प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक बच्चा है जिसकी माता द्वारा मार पिटाई करती है और ये बच्चा इनका नहीं है। और ऐसी हमारे जो लीगल ऑफिसर के पास सूचना आई थी, गुप्त सूचना आई थी, और गुप्त सूचना के आधार पे उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि ये मामला है। मैंने आज जिला बाल संरक्षण अधिकारी है नहीं तो मैंने टीम बनाई और लीगल ऑफिसर ने मिल के जिसमें सोशल वर्कर और आउटरीच वर्कर को लेके मैं मौके पे गया तो मुझे बच्चा आंगन में बैठा हुआ मिला। और जब बच्चे के हालात देखी तो मुझे गंभीर हालात लगी, ठीक नहीं लगी, तो मैंने उससे दस्तावेज मांगे कि आपका बच्चा है किसी और का है, तो इन्होंने नहीं बताया कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो फिर मैंने काफ़ी पूछताछ की तो फिर मैंने कहा कि मुझे तो दस्तावेज़ चाहिए कि बच्चा आपका है, पर उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं था। तो मैंने कहा तो फिर बताइए। फिर इन्होंने कहा कि हमने गोद लिया। मैंने कहा गोद लिए हुए कागज़ दिखाइए, तो कहता है हम तो पंजाब से लेके आए थे, अभी गोद के जो कागज़ है वो बने नहीं है। तो मैंने कहा फिर इसको बाल कल्याण समिति में ले जाना पड़ेगा। और बच्चे का फिर मैंने स्वास्थ्य देखा तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो फिर इन्होंने कहा कि टीबी है, और जब हमने बच्चा गोद ले लिया तो हमें पता चला कि इस बच्चे को टीबी है। और उसके बाद फिर इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बच्चे की मारपीट हो रही है। तो उस हालात पे फिर मैंने आगामी देखते हुए बच्चे को फैमिली सहित बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर दिया जहां आगामी कार्रवाई की जा रही है। जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसमें ऐसा है एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अनुसार बाल संरक्षण अधिकारी उन्होंने उसका रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जो कल ही हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया तो ये है अभी जिन्हें बच्चे को गोद लिया हुआ है तो जिसको काफ़ी दिनों से ये पता लगा, काफ़ी दिनों से इसके साथ ये दुर्व्यवहार कर रही है, जिसके खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी की जा चुकी है नियमानुसार। बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान हैं। बच्चा डायबिटीज और बीपी का भी मरीज है। बच्चे का इलाज किया जा रहा है। जी, 4 साल का बच्चा है लगभग, और चोटें आई हुई हैं अभी तो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वालों ने एडमिट करवाया है इसको यहाँ पे, और काफ़ी फेस पे और कान में दोनों साइड, हाथों पे, पैरों पे चोटें हैं। छोटी छोटी चोटें हैं बट सारी, काफ़ी सारी चोटें हैं। मेडिकल में यही चोटों का ही एग्जामिनेशन किया अभी हमने, और बाकी बच्चों वाले डॉक्टर ने देखा है। तो पहले ये बच्चा ब्लड शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसका इलाज इसका चल रहा है।